वेरी गुड इवनिंग माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सक्सेना फ्रॉम डॉक्टर रवि डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड ऑर्थोडोंटिक सेंटर। माई डियर फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आप आज उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इम्प्लांट कराने से डरते हैं, या जिन लोगों के मन में कोई शंका है इम्प्लांट्स को लेके, कि कोई स्क्रू होता है या कोई नट बोल्ट होता है उसे ड्रिल कराया जाता है हड्डी में, तो ये सब चीज़ें आपकी धारणा, मैं उसे बदलना चाह रहा हूँ आपकी धारणाओं को। मैंने काफ़ी पेशेंट्स के इम्प्लांट करे हैं, पूरे पूरे मुँह में मैंने उनके ओवर डेंचर्स लगाए हैं, फिक्स माउथ जिसे कहते हैं, फिक्स माउथ केसेस करें जिसमें पूरा डेंचर जो बत्तीसी होती है, मैं एक आम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, जो बत्तीसी होती है वह ऊपर नीचे की पूरी फिक्स कर देते हैं, जैसे आप लोग ब्रिज बनवाते हैं ना किसी डेंटिस्ट से। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, दिखाता हूँ, जैसे तरीके मेरे पास एक मॉडल है, मैं समझा रहा हूँ, ये दो इम्प्लांट पड़े, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये तो ये ब्रिज बन गया दोनों इम्प्लांट्स को। तो हमारे दांतों में जो जड़ होती है ना, पहले से जड़ की जगह होती है, उसी जगह इम्प्लांट डाला जाता है, तो ड्रिलिंग की कोई ऐसी बात नहीं आती है। ये सब शब्दों से, ड्रिल करने से, नट बोल्ट, स्क्रू, इससे पेशेंट डर जाता है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग घुटने में इम्प्लांट डलवाते हैं, जो घुटने से चल नहीं पाते हैं वो चलने लगते हैं, तो हमारा दांत है और दांत का इम्प्लांट इतना छोटा सा होता है, ये देखिए, ये टाइटेनियम के इम्प्लांट होता है और ये इम्प्लांट आपके बोन में जाता है, ठीक है। ये जैसे एक पेशेंट है, उसका ये इम्प्लांट पड़ा हुआ है, ये एक मॉडल है मेरे पास, पेशेंट का नाप है, मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए अंदर इम्प्लांट पड़े हुए, ये मॉडल, ठीक है। यहाँ दांत नहीं था पेशेंट का, अब क्या हम लोग करते, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे कोई दांत नहीं है, ब्रिज बन नहीं सकता है, तो इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इम्प्लांट का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमें अगल बगल के दांत घिसने नहीं पड़ते हैं, ब्रिज के लिए हमें दांत घिसने पड़ते हैं, लेकिन इसमें हमें दांत बिल्कुल नहीं घिसने, जहाँ आपका दांत नहीं है सीधे वहाँ पे आपके इम्प्लांट पड़ जाएगा, और उसके बाद इम्प्लांट के ऊपर इस तरह से ये एक जिप ट्रायल होता है, इम्प्लांट लगाने से पहले एक ट्रायल लिया जाता है कि पेशेंट के इम्प्लांट कैसे पड़े हैं और उसका दांत का ऑक्लूजन, मतलब जो चबाने का सरफेस है, वो सही है कि नहीं, ठीक है, ये देखा जाता है। ये तो बात की बात है, पहले आप ये समझिए कि इम्प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्प्लांट्स के पॉजिटिव आस्पेक्ट्स क्या है ये देखिए, और ब्रिज बनाने के नेगेटिव आस्पेक्ट्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिज ख़राब चीज़ है, ब्रिज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इम्प्लांट। पर्पस ये आपको खाना चबाने से पर्पस है, खाना सही से चबा सकें। सबसे पहले आरपीडी होती है, निकालने बैठाने वाली बत्तीसी, पार्शियल डेंचर्स, कुछ जगह दांत नहीं होते तो वहाँ एक प्लेट बना दी जाती है, जिसे आम भाषा में प्लेट कहते हैं, कहते से डेंचर होता है पार्शियल डेंचर, जो डेंचर पूरा नहीं होता है उसे पार्शियल डेंचर कहते हैं, जहाँ जहाँ दांत मिसिंग है वो पार्शियल डेंचर हो गया, आपने एक प्लेट बना ली, लेकिन क्या उसके नेगेटिव आस्पेक्ट ये है, वो आपके बोन पर रेस्ट करती है, और बहुत लोग उसमें एक वायर भी लगा देते हैं जो कि अगल बगल के दांत से रुक जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, दादा दादी के कभी किसी के, मेरे प्लेट लगी थी उसमें तार लगा था, वो तार मेरे दांतों में उसने जगह बना दी, उसकी वजह से वो मेरे बगल वाला दांत भी हिल गया, तो ये सुना होगा आपने। तो क्या होता है, उसकी वजह से दांत पे लोड पड़ता है और दांत आपका जो डेंचर है वो हिलने लगता है, रॉकिंग करता है, लेकिन हमारा ब्रेन बहुत तेज़ होता है, उसके जो प्रोप्रिएप्टिव मूवमेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको तुरंत आपको एक सिग्नल देते हैं, सिग्नल पाथवे से एक सिग्नल आता है कि नहीं ये वाली साइड गड़बड़ हो रही है, आप खाने का कोरा इस साइड ले जाइए और इस साइड से चबाइए, तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आने नहीं देते हैं कोरे को, और ये आदमी जो साइड उसकी नॉर्मल होती है उस साइड से खाना शुरू कर देता है। बट ऑब्वियस है, भगवान ने दो कान, दो आँख, नाक, दो हाथ, दो पैर दिए, आपको बैलेंस बॉडी बनाइए तभी आप चल पाते हैं स्ट्रेट। अगर आपका कोई भी दांत मिसिंग होगा तो आपका जो चबाने की क्षमता है वो उस साइड तो कम हो जाएगी, लेकिन जिधर आपके दांत पूरे हैं आप उस साइड से चबाओगे, और चबाते चबाते 100% आपका जो जॉइंट है, ये TMJ जॉइंट, इस पर अफेक्ट आता है, इस पर लोड आता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये बचाने के लिए, कुछ लोग दांत नहीं लगवाते हैं, या लगवाते तो निकालने बैठालने वाले लगवा देते हैं, उनको परेशान करते हैं, तब तक क्या होता है, जिस हड्डी पे वो दांत लगे होते हैं निकालने बैठालने वाले, वो बोन ऐसे हो जाती है, ये कॉनकेव हो जाती है, ठीक है, वो सरफेस गड्ढे में चला, वो हड्डी पे लोड पड़ते पड़ते हड्डी फ्लैट हो जाती है। फिर क्या होता है, इम्प्लांट डलवाने की स्टेज बहुत लेट हो चुकी होती है, उस पर बोन ग्राफ्टिंग और क्या क्या आगे करना पड़ता है। तो बेस्ट ये है, डेंचर और इम्प्लांट से, डेंचर और पार्शियल डेंचर से जो निकालने बैठाने वाली बत्तीसी होती है, उनसे सबसे बढ़िया है इम्प्लांट। कोशिश करिए जो लोग इम्प्लांट लगवा सकते हैं वो इम्प्लांट लगवाएं, बिकॉज इम्प्लांट से डरे नहीं, इम्प्लांट से कोई ऐसा कंसेप्ट ना निकालें कि इम्प्लांट
खतरनाक चीज़ है, ये स्क्रू होता है, ये नट होता है, हमारे जाके ख़राब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि इम्प्लांट आर बेटर थिंग्स, क्योंकि उसमें पूरी रूट होती है, और जब रूट पूरी आपकी होगी नीचे तक, इम्प्लांट आपका पूरा होगा नीचे तक, तो लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप पूरे फोर्स लगाए खाना खा सकेंगे, फिर क्या इनफैक्ट नॉर्मल एज में खाना खाने का मज़ा ले सकेंगे, खाना चबाने का एंजॉय कर सकेंगे, मज़ा ले सकेंगे, कोई सोचना नहीं पड़ेगा अरे बहुत हार्ड चीज़ डॉक्टर साहब ने खाने को मना कर रखा है, देखे खाना नहीं खाओ। इम्प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, आज सब कुछ खाएँ, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अब तो टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं कि जिन पेशेंट्स के मुंह में पूरे दांत नहीं हैं वो इम्प्लांट लगवाएं ऊपर नीचे, जहां तक है 6 या 4 इस तरह के इम्प्लांट लगते हैं, 6 ऊपर 4 नीचे या 6 इम्प्लांट ऊपर 6 इम्प्लांट नीचे, डिपेंड करता है कितनी चौड़ी बोन है, कैसी बोन है। तो आप उसमें इम्प्लांट लगवा सकते हैं और इमीडिएट नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या उसी दिन आप उसमें डेंचर पहन सकते हैं, तुरंत तुरंत कंप्लीट डेंचर पहन सकते हैं और तुरंत खाना चबा सकते हैं। बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, इन्हें इमीडिएट लोडिंग कहते हैं, इमीडिएट इम्प्लांट्स कहते हैं। आज हमने दांत निकाला, आज ही आपके इम्प्लांट लगा देंगे। तो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस, मेरा कहने का यही मतलब है, इम्प्लांट से डरिए मत, इट इज़ ए वेरी एडवांस थिंग। और अब जो नया डेंटिस्ट्री है, डेंटल एज है न्यू, वो डेंटल इम्प्लांट्स की है, क्योंकि आप डेंटिस्ट भी ये राय नहीं देते हैं कि आप अगल बगल के दांत घिसवाएं और उस पर ब्रश पहनें। जो अच्छे खासे दांत हैं उसे क्यों घिसवाएं, क्यों उसमें RCT करवाएं, जहां दांत मिसिंग है सीधे इम्प्लांट लगवाइए। या जो भी पेशेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या एजेड लोग हैं जिनके दांत ख़त्म हो रहे हैं या नहीं हैं, वो वहां पे इम्प्लांट्स लगवाएं और प्रॉपर खाना चबाएं। क्यों, एक देखिए एक साइकिल है, अगर आप खाना प्रॉपर नहीं चबा पाएंगे तो आपका पेट ख़राब रहेगा, और पेट ख़राब रहेगा तो आपको ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर लीवर के डॉक्टर के पास या आपको किसी फिजिशियन के पास ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर खाना चबाते नहीं हैं और आपका पेट हमेशा ख़राब रहेगा, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहेगी, इनडाइजेशन रहेगा, उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी बहुत हैम्पर हो जाती है। अगर आपके दांत स्वस्थ रहेंगे आपका सब कुछ स्वस्थ रहेगा, प्रॉपर खाना चबाते रहेंगे आप, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, जो काम दांतों करना चाहिए वो पेट नहीं करेगा ना। मेरे कहने का मतलब है, आपको मैं बहुत ही सिंपल चीज़ बताने जा रहा हूँ, इम्प्लांट्स के मैंने जो चीज़ बताई है उससे शायद आपका भय ख़त्म हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लांट कराने के पहले एक तो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, विटामिन डी आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और कैल्शियम लेवल प्रॉपर होना चाहिए। जिनका विटामिन डी कम हो, विटामिन डी टेस्ट करा के अपने फिजिशियन से या डेंटिस्ट से विटामिन डी के कैप्सूल्स पता कर लें, कौन से खाने हैं, कौन सा सेशन लेना है, और खाना शुरू कर दीजिए उसे एज़ पर योर डोज। इम्प्लांट कराने से पहले हमें CBCT या OPG कराना चाहिए, बेस्ट होता है CBCT। और CBCT कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं अपने मोबाइल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एक केस है जहाँ पे मुझे इम्प्लांट प्लेसमेंट करना है, ये पेशेंट है, इसके मुँह में कोई दांत नहीं है, ऊपर नेचुरल दिख रहे होंगे आपको, 3 दांत पड़े हुए हैं इनके, 4 दांत, ठीक है। ये मैंने इम्प्लांट की प्लानिंग कर ली है पूरी, ये इनके इम्प्लांट पड़ने, तो ये हम लोग इनके 6 इम्प्लांट डालेंगे, और इससे ही हमें पता लग जाता है कि इसकी बोन कैसी है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कौन सा इम्प्लांट जाना है। इसमें बहुत ही ज़रा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, प्रॉपर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है आपका ये, तो इसे CBCT कहते हैं। सबसे पहले CBCT कराइए, इम्प्लांट डायग्नोसिस हो जाएगी इससे कि कौन सा इम्प्लांट पड़ेगा, क्या आपका बोन इम्प्लांट के लायक है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इम्प्लांट पड़ जाएंगे आपके एक दिन में, बहुत बहुत 15 से 20 मिनट में इम्प्लांट पड़ जाता है, और कोई जल्दबाजी नहीं है। जो पेशेंट्स 1-2 इम्प्लांट पड़ सकें, 1-2 इम्प्लांट डलवा लें, 3-4 दिन बाद दूसरा इम्प्लांट डलवा लें, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। बहुत लोग बहुत देर मुंह खोल के नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप आराम आराम से इम्प्लांट डलवा लीजिए। हाँ, इम्प्लांट पड़ने के बाद आपको डेंचर दिए दे दिया जाएगा, कोई पेन नहीं होगा आपको, कोई स्वेलिंग नहीं आनी है, पेशेंस रखना है, इम्प्लांट पूरा ऑस्टियो इंटीग्रेट मतलब हड्डी में इम्प्लांट जम जाएगा, जब आपका ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो प्रॉपर इम्प्लांट के ऊपर लोड आ जाएगा, आराम से आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ चबा सकते हैं। मेरा बस यही कहना था कि, और उसके बाद हम लोग इम्प्लांट डालने के बाद आपका जिप ट्रायल कर लेते हैं, इसके बाद फाइनल प्रोसेसेस आपको इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा के और ये दे देते हैं। ऐसे ही सामने देखे पेशेंट्स के इम्प्लांट पड़ जाता है, ये देखिए इम्प्लांट लगा हुआ है,
दिस वन, ये इम्प्लांट पे हमने कैप लगा दी, सारे एस्थेटिक्स मेंटेन रहते हैं, पेशेंट सारा खाना खा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इम्प्लांट से डरिए मत, ये बहुत भ्रम फैला हुआ है समाज में कि इम्प्लांट से दांत में स्क्रू होता है, एक नट होता है उसे कस दिया जाता है, उससे नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लांट इज़ द फ्यूचर डेंटिस्ट्री, और अब तो कुछ समय में डेंटल स्कैनर्स आ गए हैं, हमें आपका नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्कैन करेंगे और दांत बनके तैयार, सिर्फ स्कैन करना है कैमरे से, इम्प्रेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जिन लोगों को उपकाई आती है वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे स्कैन कराइए और अपना डेंचर आराम से फिक्स करके पहनिए उसे, जो खाना है खाइए और जीवन में आनंद प्राप्त कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन किसी को ये ट्रीटमेंट चाहिए हो डेंटल इम्प्लांट से रिगार्डिंग, कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा सेंटर बरेली में स्थापित है, डॉक्टर रवि डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड ऑर्थोडिक सेंटर, और मेरा क्लिनिक राजेंद्र नगर में है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर रवि सक्सेना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520 94102-14520। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के संग मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।